लगातार पढ़ाई करने से आप परेशान हो सकते हैं। पहले लक्ष्य का निर्धारण करें और 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद बेरक जरूरी है। सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से पहले लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। सफलता प्राप्त न होने तक सोशल मीडिया से दूर रहे। ये गुरु मंत्र वर्ष 2011 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी योगेश कुमार सिंह ने बताया। यमुना पार के सत्यनगर नराइच स्थित सावित्री बाई फूले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय रेल यातायात सेवा बैच 2011 के अमन वर्मा और योगेश कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने के साथ साथ समयबद्धता के बारे में भी बताया। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा ने बताया कि जब भी तैयारी के बैठे तो आपके पास मानचित्र होना चाहिए। किसी भी इमारत की बनावट को देख उसकी शैली के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। दृढ़ आत्मविश्वास को सफलता प्राप्त की जा सकती है। संवाद कार्यक्रम में विवेक कुमार, जय कुमार, विष्णु प्रजापति, कुमारी शक्ति, भूमिका, स्नेहा आदि छात्रों ने प्रतियोगिताओं को लेकर प्रश्न भी किए। दोनों अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को बारी बारी से जवाब भी दिए। वहीं पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मार्गदर्शन करने के लिए वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के पुस्तकालय को बड़ा स्मार्ट टीवी भेंट किया है। श्री वर्मा के इस योगदान को लेकर पुस्तकालय समिति के पदाधिकारियों ने उनका आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर पुस्तकालय के अध्यक्ष भरत सिंह, एडवोकेट महासचिव केशव देव, समाज सेवी लक्ष्मी नारायण, अरुण कुमार, साहिब अमर सिंह, सतपाल सिंह, जितेंद्र पंकज सरदार, शैलेंद्र सिंह, अमन, अजय, खुशबू और सुंदर प्रताप सहित बड़े संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।